टाइम पास है, कोई मूवमेंट नहीं बढ़ जाए जिससे तुम्हारा पर कुछ हो रहा हो। आराम से बैठ जाओ, बैठते रहो, आगे वाले आगे रहो, बैठते रहो, अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, अच्छी बैठो। जब थोड़ा सा इतनी मेहनत के बाद खुशी का पल आता ना, वो प्यार से सुना जाता। बैठ जाओ, बैठते रहो, बैठते रहो, जबरदस्त बात सुना करो, बैठो और चुप होते रहो, चुप होते रहो, चुप बैठ कर, चुप हो जाओ, बैठ कर चुप हो जाओ, बैठ कर चुप, 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 चुप। शाबाश शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड, तारीफ मैंने तारीफ करी है यार, मैं सर आगे भी करूंगा, मेरे को पता है मेरे छोटे भाई बिल्कुल गलत काम नहीं करे, बिल्कुल भी नहीं करे। शाबाश, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, इतना बड़ा ना करना दे, तू ही बता। अरे शुरू हो गया थे सीएमओ हाउस, जो सीएम साहब का हाउस है, वहां पे सीएम साहब तो मिले नहीं, वो दिल्ली गए हुए थे, नहीं कोई मिलते, तो ओएसडी श्री भूपेश्वर दयाल जी से मिले हैं। तो हमारी मतलब जो अपने डाउट थे हरिकवाल के, हमने सारी बात कही, उन्हें बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि भाई मंगलवार को जो उसके बाद हम एजी से मिलने गए थे, एक बार हमारे जो एजी हैं उनके पास गए थे, वहां पे हमारे कन्फर्मेशन पहली तो ये हुई कि जो अपनी एप्लीकेशन थी अर्ली हुई की वो लग चुकी है अपनी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। उसपे वो पटवाले जी अपने वकील है जो, उन्होंने वो लगाई है और उसपे एनओसी हमारे एजी साहब देंगे, मतलब उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन होगा, मतलब वो सपोर्ट करेंगे हमारी, उसमें उसपे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, अपनी अप्रूव होगी, पूरे पूरे चांस होंगे, अपनी अर्ली हुई की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी बहुत जल्दी। और ओएसडी साहब ने बोला भाई कि सोमवार को तो छुट्टी है कोर्ट की, मंगलवार को जॉब की नो ऑब्जेक्शन दे देंगे, उसके बाद आप जब भी चाहो मंगलवार को या नेक्स्ट डे कभी भी आके मेरे से किसी भी मतलब 2 बजे के बाद किसी भी टाइम आके मेरे से मिल सकते हो आपको। बाकी ज्यादा लंबा ना कीजिए, भाई हम गए थे सबसे पहले सीएम साहब, लेकिन वो मिले नहीं ना, तो ओएसडी भूपेश्वर दयाल जी से हमारी बात हुई थी। उन्होंने अभी ये बोला है कि जिस मंगलवार को आपकी अर्ली रिंग लगेगी ना, उस पर एनओसी हम देंगे, अगर हम एनओसी दे देंगे तो आपकी फाइल अप्रूव होने के पूरे पूरे चांस है, और मंगलवार को कह रहे हैं उन्होंने 12 बजे तक तुम्हारा ये काम हो जाएगा, और 2 बजे आप हमारे पास आ जाना, आप हमारे 2 बजे से पहले पहले जो मर्जी आगे पूछ लेना, काम हो ना आप आ जाना एक बारी। रही बात दूसरी, उन्होंने कहा जब तुम्हारी तारीख लग जाए ना अर्ली रिंग से पहले, तो आप है 2 दिन पहले या 2-3 दिन पहले मेरे पास आ जाना, एजी साहब को मैं खुद भेजूंगा आपकी बात, अपने केस में एजी साहब खुद जाएंगे। फिर उन्होंने एजी साहब को भी कॉल कर दी थी उसी टाइम कि ये बच्चे आपसे मिलने आ रहे हैं, कि जो डाउट आपसे है वो आप क्लियर कर दो। फिर हम गए एजी साहब के पास, उन्होंने हमें कहा कि आपकी अर्ली हियरिंग अभी देख देते हैं, हमें लगी है कि नहीं है लगी। उसी टाइम उन्होंने अपने केस नंबर डाला, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगी हुई थी वो निकाल ली, निकालने के बाद उसमें एनओसी देने के लिए वो कह रहे हैं सोमवार को तो कोर्ट की छुट्टी है, मंगलवार को इसमें एनओसी लग जाएगी आपकी, और ये अप्रूव भी हो जाएगी। अप्रूव होने की बात दिसंबर में भी, जहां तक चांस है दिसंबर में हो सकती है, लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक में तो पक्का हो जाएगी, ऐसे उन्होंने कहा अभी। और अपने पास अब 2-3 पॉइंट ये आ गए हैं, एजी साहब ने अपनी एनओसी देने के बाद जब तारीख होगी वो खुद जाएंगे एनओसी लेके, और अपनी तारीख पे एजी साहब जाएंगे तो आपको नहीं लगता क्या स्टे हटेगी? तो ये पॉइंट अपने लिए पॉजिटिव है सर। दूसरी बात, हमने एजी साहब से पूछा है कि आपके पास सीएम साहब के भी कुछ आदेश आए होंगे, बोले सीएम साहब ने कहा है कि जितनी जल्दी हो उसके ज्वाइनिंग करवा दो आप। तो भाई अब मंगलवार को दोबारा हम जाके मिल आएंगे और अपनी अर्ली हियरिंग भी लगेगी। और रही बात अपनी भूख हड़ताल की,
भूगड़ताल वाले पे उन्होंने कहा है कि आप मेरी बात मान के मंगलवार तक आप वेट करो, मंगलवार तक आप मेरे पास आ जाना और आपका काम भी हो जाएगा। जब तक आप ये अपनी धरना वगैरह भूगड़ताल ये हटा दो, तो इसमें हमारा ये सवाल था जी आपके आश्वासन से हम भूगड़ताल समाप्त कर सकते हैं और वो भी तब करेंगे जब आपके कोई अधिकारी आके इन बच्चों को कुछ खिलाए पिलाएंगे, ऐसे हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी हम शाम को आपको कोई अधिकारी वहां पे मिल जाएंगे जो इन बच्चों की भूख हड़ताल तोड़वा देंगे। और ये भूख हड़ताल हमने कहा कि ये धरना तो हम खत्म करेंगे नहीं, धरना तो तभी खत्म होगा जब रैली हो जाएगी और भूख हड़ताल हम आपके आश्वासन पे कर देते हैं आज ही, लेकिन आप ही करवाने आओगे। तो शाम को 5-6 बजे तक उन्होंने टाइम दिया कि वहां पे आ जाएंगे। बात करो लड़की गीता।